जनक महाराज के हिसाब से परशुराम को क्या बोलते बोलते तो माँ का शरीर और धड़ अलग किया, अब तो इनको पूर्ण राज्य दे दिया, रामचंद्र जी के पूरा जीते सुख क्षत्रिय राज्य इनको दे देता और पुराण मार के केरला का राज्य सृष्टि करता परशुराम। इतना करने पर भी तू चिरंजीवी रहकर इन सभी दृश्यों को देखते हुए कल्पांत तक आखिरी मनुष्य के रूप में तू ही जीवन निकाल बोलते वर दे, आज भी जिंदा है इसलिए केरल में आज भी देख सकते हैं। देखे आके उन्होंने छुपा के रखती परशुराम को, जैसे बाप की आज्ञा होती है माँ को मार दे, उन्होंने जैसे ही भाग के आता तो इन्होंने उनके पास बोले मैं मेरी बाप की आज्ञा हूँ एक मिनट भी मैं नहीं रुकता, और अगर उसको मारने तुम नहीं दिए तो मैं तुम्हें मारने में आगे पीछे नहीं देखता। तो वहाँ आड़ा आए तो दोनों को भी मार दे, दोनों का सर काट देता, जाके माँ का सर काट दे के बोल देता बाप को कि तुम्हारे आज्ञा से सर काट गया हो, खुश हो जाता बाप, बोलते रहो क्या वर चाहिए मैं देने के लिए तैयार, पहले वर में मेरी माँ को जिंदा कर गई और मेरी माँ को इस संसार में पूजनीय बना और ये पाप से मुझे ये दे दे निष्कृति दे दे बोले। वो सर काटे से उन्होंने सब जोड़ने के लिए आया, जो क्या होता है गलती से वो जो बोया में रहता वो मच्छर रहती उस स्त्री को रेणुका देवी का सर लगा देता, चिपका देता और रेणुका देवी के शरीर को उसका मच्छर की उसका देवी का शरीर पुरुष का शरीर पुरुष के लगाने में, तब से गलती हो गई। अब कैसा नहीं हो सकता बाबू, बोलते तेरी माँ की सर की ही पूजा होंगी और उनकी धड़ की पूजा यहाँ होंगी जो योगुड़ाम्बा है, ये योगुड़ाम्बा शक्तिपीठ में से वो शक्तिपीठ है और ये भी शक्तिपीठ है। सच्ची बात यहाँ की रहस्य वाली बात यहाँ बैठ के मैं रात में बैठ के किया था नवरणा मंत्र, आज भी इच्छा थी लेकिन अब सब गड़बड़ गड़बड़ है और होटल में अच्छा नहीं दिखता और मंदिर पहले यहाँ टीचर थी उसको बोल के रात में मंदिर में बैठ के करे तब उतना ये सब कुछ भी नहीं था, प्रश्न नहीं था, हम अंदर ही सो गए अंदर कहीं बैठ के वहाँ नवाना मंत्र किया था रात में, दूसरे दिन सुबह बताया और आखिरी दम तक उसको गुरु मंत्र या मंत्र याद रहा तो उसको कोई दूसरा यूँ नहीं जाता है, फिर अगर डायरेक्ट गुरु में जाता नहीं तो फिर मानव जन्म ही लेता किसको गुरु है। माता को सामने से नहीं देख सकी, सामने खड़े रहते उनकी कलाओं को निकाल के अब सामने करे, लेकिन उनकी कड़ाओं को नहीं देख सकते। शंकराचार्य बोले कोई सामने देखना उसके उन्होंने ही बाजू में किए थे, बाद में आज के लोग कड़ाएँ सब निकाल लेके उनको माता को खड़े नहीं तो ओरिजिनल माता को देखने में डर लगता था, उनकी आंखें बड़ी बड़ी ओल रहता और ये गब्बिलम ऐसे उनके सर पे सब चिपके सो रहे देखते डर लगता नहीं तो यहाँ सच बोलता हूँ तेरे को यहाँ तो बहुत आनंद लगता था। वो मूर्ति जब थी ना तो एक प्रकार का इतना साइलेंट था कोई ऐसा घूम नहीं सकता था, डर के मार मर जाता। वो जब उन्हों थी एकदम स्मशान शांति रहती थी उसकी उसको प्रीतासना बोल के बोले, ये सब छिपकली कौन बनते इस संसार में बोल के बोले, वाल्मीकि के रामायण यह छिपकली कौन छिपकली होता बोल के बोले तो जो भी आदमी दान देकर दान वापस लेता वो छिपकली बनता, किसी को दान देकर वापस लिया समझ उसको चिपकली बनता और गब्बिलम उसका खाना और उसका मल वही खा लेता उल्टा होता रहता ना। तो जो अपने गुरु को साथ में रहकर समझ गलती से गुरु बहुत बीमार हो गया उस समय गुरु को छोड़ के चले जाता गुरु से सब ज्ञान लेकर या उसको बीमार रहते समय छोड़ के चले जाता या उसके इष्टा को वगैरह से छी 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 बोलता उसके मलिनता को उसको स्नान नहीं डालता वो लोग गब्बिलम होते ऐसा उसमें लिखा सकते। ओल कौन होता, ओल कौन होता बोले तो पैसा छुपा के छुपा के छुपा के मर जाता और किसी को नहीं दान नहीं करता वो ओल होता। तो ओल वाहन क्यों हुआ, लक्ष्मी का वाहन क्यों हुआ, क्योंकि वो कभी दिन में बाहर नहीं आता रात में ही बाहर आता, ओल कभी तुम्हें दिन में नहीं रात में रहता। तो ये सब जितने भी धन वाले लोग हैं रात में अंधेरे में पैसे को दबा के रखने वाले वो सब ओल ओरिजिनल, वैसा उसका अर्थ क्या है अगर उल्लू दिखा और उल्लू उड़ा तो लक्ष्मी वाहन पे चल जाए, ओरिजिनल उल्लू खराब नहीं है उल्लू को रखना लक्ष्मी को ले जाता उल्लू वहाँ है तो लेके जाता इसलिए उल्लू को करना नहीं बोलते। रेणुका के पास तुम देखे नहीं लेकिन छोटी सी बल्ली रेणुका में जा रही थी तो देखी बाजू से, मैं जब नमस्कार करने गया बल्ली रेणुका के पास से जा रही थी मैं देखी तो किसी न किसी रूप में देवी दर्शन वो जैसा दर्शन करा वो बाजू से चिपक लिया अंदर रेणुका के तो किसी न किसी रूप में बिच्छू के रूप में ओल के रूप में या इसके रूप में दर्शन दी थी उसके माथे पर लगाई हुई है ना उसी।
यहाँ ऊषो हो मोह हो उनकी गलती के कारण अनुभव किया, लेकिन यहाँ एक मिनट में कुंडली जागरण हो जाती है अगर मोक्ष को सही अर्थों में हम पूजा करें। योगुल अम्बा है, जोगुल अम्बा नहीं, योगी योगी को योगी जैसा बोलते हैं। तो 64 योगिनी की अधिशक्ति है ये, इनके शरीर से 64 योगिनी निकले सप्त मातृकाओं के साथ। तो उनकी अधिशक्ति रहने के कारण कुंडली जागरण होने के लिए इनके इनके सामने अगर हम बैठ कर इनका विशेष मंत्र है, उस मंत्र को अगर हम बोलते हुए हम 40 दिन यहाँ रहे तो निश्चित रूप से वो संसार प्रसिद्ध हो जाता है। यह परशुराम के परशुराम क्षेत्र से निकली, ओरिजिनल कर्नाटक में परशुराम जी यहाँ तपस्या कर रहे थे। तुंग और भद्रा ये दो शक्तियाँ हैं, इन दोनों का मिलन होकर जन्म लिया, इसीलिए तुंगभद्रा के किनारे किष्किंधा है और किष्किंधा के वानर श्रेष्ठ हुए पंपा सरोवर, वानर भी शक्तिशाली हुए। वहीं विद्यारण्य स्वामी ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, तो उनको ये शक्तियाँ उनको जागृत थी, चेतनावान थी, जहाँ जहाँ निम्न वहाँ करवाए। इतना मेरे इतने 20 साल में मैं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई स्टेट नहीं, अभी त्रिपुरा एक रहेगा, लेकिन पूरे क्षेत्रों में शिविर युगुलम्बा के क्षेत्र में ही ये रहते बल्ली ओल और वो, बाकी तरह किसी घर में भी बल्ली नहीं दिखी, ये नहीं दिखी कि अब लोहे पिछले डालना, ये लोग डाल रहे वो नग्न बैठी हुई है और इस वीरा ऐसा बैठी हुई है, वीरा ऐसे जैसे लेडीज बैठने ऐसे बैठी। उसको कब कब दुकान बंद कर दो, कब कब जाना बोल के है, उन्होंने अंदर जाएंगे रे पैसे देते हो, बाहर से भी वही दिखता, अंदर से भी वही दिखता, बोल रहा हूँ तेरे क्या करे माता पैसे, दो पैसे का तेरे को बोल, इस साल में नहीं जो बोला वो तेरे को अचानक जाना पड़ा, जैसे कामाख्या हो या यहाँ हो वहाँ हो यहाँ हो कहीं भी अचानक कोई देवता दर्शन कहीं गया तो देवता दर्शन करेंगे। शेरवा विधान मानस को अब नहीं 10 साल से ज्यादा, यहाँ भी आगे 10 साल हो गए, 10 साल नहीं हुए 5-6 साल हो गए। पारस से सोना बनाते थे, वो विद्या का एक मंदिर है, उसमें जाने नहीं देते किसी, वहाँ के पत्थर पर अगर पारद को अच्छी तरह घोटा जाए और रखने के बाद उस पारद के इसको ये सोना बनाने की विद्या है, यहाँ से सोना कितने अभी राजाओं के नाम सुना उन सभी को सोना यहाँ से जाता था। एक रात में कम से कम 100 टन सोना बनाते थे, तांबे को सोने में परिवर्तित करते थे, विजयनगर साम्राज्य तक भेज देते थे। पोता था उनके पोते को देश को और छोड़ दिए तो कैसा उनके उसको पोते को ही राजा बना दे, प्राइम मिनिस्टर था वो निजाम ना होगा याद नहीं करा नाम, बातचीत कैसा आपकी बोलता वो पाप बोलती वो पाप बोलती वो पुण्य बोलती वो पुण्य बोलती कुछ सताते नहीं पोते का उद्धार कर देने बोलते मैं नंगी रे साल वहाँ से इंग से निकल कर नंदी बात करते ही इंडिया पर उसको चले जाती हूँ, यहाँ तो वो बालाजी का भी कम हो जाता है, वो भी करते हैं शीर्षल एक बार जाके आना विंध्यवासिनी में तपस्या करने चले जाते हैं, वहाँ का नंदी बात करता है। यहाँ सब जाते समय क्या रहे पत्नी को साथ लेके ही जाना, लेकर नहीं जाने का योगुलम्बा हमेश्वरी कामाख्या अकेला गया तो स्त्री को हो पुरुष को भ्रमित कर देते, गलती करे तो मानती नहीं तो याद करती ऐसा कुछ नहीं आया मैं बुलाया तो आया यही आया क्या मैं बुलाया सच है मैं आज सुबह तक भी मेरा जाने का कोई इरादा नहीं एक क्षण के लिए भी मैं सोचा क्षण आया खुले उसको ऊपर निकाल के उसको स्तन के रूप में तैयार करना सामने रख लेना रात के 12 बजे उन दो नारियल के बीच में एक पान रखना पान के ऊपर सिंदूर का टीका लगाना लगा के यम 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 योगेश्वरी सिद्धिदात्री घोर रूपे मम भाग्योदय कुरु कुरु इस मंत्र को बोलते हुए वो दो नारियल भी इसके पान के अपन रख लेना पान के घी या लगा के और दो नारियल भी पानी में छोड़ देना करेक्ट रात के 12 बजे करते हुए अगर करे तो बराबर दर्शन देती जैसे अपने पोते पोते को बड़ी माँ देखती वैसा देखती। स्मशान मंत्र में नग्न बैठना है उसका अघोर मंत्र जो है उसमें नग्न बैठना है स्त्री को सामने नग्न बैठ के अपन उन्होंने सर भी नग्न बैठ के स्त्री के शरीर को पूरी मक्खन लगा के
साधना करी एक ही माला, बादल उस रात में बिजली चमकती बोलते चमकती चमकती, पानी आता बोलते आता है, तो चाहे धूप का लाओ कड़कड़ाहट के साथ तीन बार यम, ओम यम 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 योगेश्वरी सिद्धिदात्री घोर रूपे मम भाग्योदयम करो, यम 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 योगेश्वरी सिद्धिदात्री घोर रूपे मम भाग्योदयम करो। एक ही ब्राह्मण अभिषेक डालता था माला, एक दिन गलती से दूसरा अभिषेक डालने के लिए आया और गलती से उनके स्तन को रगड़ रहा था, लात मारी तो अब बोलते है कि बाहर मंदिर के बाहर आ गिरा, लात उन्होंने खा के इतनी पावरफुल, क्योंकि यौवनावस्था में थे शंकराचार्य, उनके वो स्तोत्र भी लिखे, लेकिन सामने आए तो उन्होंने बोले मैं देख नहीं सकता, सामने खड़े नहीं स्तोत्र करे उन्होंने। मातृ तीर्थ में भी करे रात के 12 बजे ग्रहण में कदा, अरे माहौल उनका न था, जब झड़ में बैठा था बैठना जी जाते बोल के भाग्य